Hello everyone. Good afternoon. कैसे हैं सब? जी, I'm good. I'm very good. अच्छा, मैम की थोड़ी तबीयत खराब है तो वो गई हैं थोड़ा. ओके. तो कितना कर लिए? जी, ये नीचे वाला कर रहे थे. Take the puppy father from the tree. हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं ना एक बार. ओके. फेसबुक वाले निकल. देंगे आराध्य. अरे जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. ये साउंड किसकी आ रही है? सर, मेरे तरफ सारी. सॉरी सर. म्यूट कर लो थोड़ा ना. ओके, ये वाला आपने कर लिया है? इनसाइड आउटसाइड? यस सर. ओके, फाइन फाइन. तो इनसाइड का मतलब अंदर वाली साइड होता है, आउटसाइड का मतलब बाहर वाली साइड होता है. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये एक अरब की है. मतलब जैसे हम इंडियन हैं, इंडिया में रहने वाले इंडियन है, वैसे ही अरब देश में रहने वाला अरब है. तो जो अरब था एंड हिज केमिकल, ये उसकी स्टोरी है. ठीक है. इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे, मतलब सर्दी का दिन था. एंड द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक. यहाँ पर कैमल की बनी हुई है इमेज, इसका मतलब कैमल. कैमल की बैक मतलब उसकी पीठ पर जो अरब है वो बैठा था, ट्रेवल कर रहा था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए? यस. गुड. यस सर. At night, यानी रात को, the Arab pitched his tent and went inside it. अब pitched मतलब ऐसे उसने टेंट लगा दिया एंड उसके अंदर चला गया. Went inside, यानी अंदर चला गया उसके. The camel was outside. और जो कैमल था वो बाहरी, आउटसाइड था. ठीक है, inside और inside और outside आपको सिखाया गया है स्टोरी के थ्रू. तो इसका मतलब इनसाइड मतलब अंदर, जैसे हम उनके इनसाइड बैठे हैं अभी और बाहर हमारे चलने वाले जो हैं वो बाहर हैं, आउटसाइड हैं, या फिर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी आउटसाइड द हाउस है. ठीक है, तो ये इनसाइड और आउटसाइड, यहाँ पर हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है. ओके ओके ओके. फिर यहाँ पर जो कैमल है वो क्या कह रहा है? मे आई पुट माई नेक इनसाइड. नेक मतलब गर्दन. ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या मैं गला अंदर कर सकता हूँ? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. बाहर जो है बहुत ठंड है. ये अपने अरब को कह रहा है, अपने मालिक को. ये देखो है ना, और ये कैमल है, ये उसको कह रहा है. ठीक है. वो परमिशन मांग रहा है अरब से कि मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है. उसके बाद जो अरब है वो क्या रिप्लाई दे रहा है? वो कह रहा है ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड. ठीक है, मतलब तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो. ठीक है. ओके सर. उसके बाद अब कैमल ने जो नेक है वो अपना अंदर कर लिया है. ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो. ठीक है, तो अंदर तो हो गया. उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहा है मे I put my front legs, यानी आगे की legs जो है, टांगे हैं, उनको भी अंदर कर लूं. It is too cold outside. यह बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए क्या मैं अपनी आगे की जो दोनों legs हैं, उनको भी अंदर कर लूं? अब जो अरब है वो क्या बोल रहा है? Okay, you may put your front legs inside. बोलता ठीक है कि तुम अपनी दोनों की आगे की जो legs हैं, उनको अंदर कर सकते हो. ठीक है. Okay. फिर उसके बाद कैमल फिर टिकता नहीं है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है. ठीक है, क्यूरियस होते हैं बहुत ज्यादा. तो कैमल उसके बाद क्या बोलता है? कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है. फिर अरब क्या रिप्लाई देता है? अब इसको शॉक लगा कि ये कैमल क्या कर रहा है. वो बोलता ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए जो टेंट है इट इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है. ठीक है. फिर उसके बाद
कैमल बोलता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, मतलब ऊपर जो अरब था उसने क्या बोला था कि नहीं हम दोनों नहीं आ सकते, जगह कम है, ठीक है, टेंट छोटा है। जी जी। तो फिर कैमल का रिप्लाई आया यहाँ पर सो आई एम कमिंग इनसाइड, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल जो एनिमल्स होते हैं ना वो जबरदस्ती घुस जाते होते हैं, वो परमिशन नहीं मांगते होते ज्यादा। हाँ। इसने पता नहीं दो बार मांग ली बहुत। तो कैमल अंदर आके बैठ गया जबरदस्ती और जो अरब है यानी उसका मालिक है उसको बाहर जाना पड़ा। जब कैमल कोई जबरदस्ती घुस जाएगा तो ह्यूमन को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एनिमल्स ज्यादा तमीज वाले नहीं होते, वैसे तमीज वाले होते हैं लेकिन इनकी जो तमीज होती है ना वो भी दूसरों के लिए बदतमीजी बन जाती है, काफी ज्यादा कुछ करते होते हैं। आईक्यू थोड़ी कम होती है उनमें। या तो ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है बिगर एंड स्मॉलर। अब बिगर देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने आपने की है, आपको करवाई है, बिग yes. बिगर और बिगेस्ट, ठीक है। ये जब दो का कंपैरिजन होता है दो चीजों का, जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ दो ही है, एक ये है और एक ये है, दोनों का कंपैरिजन है तो ये वाली डिग्री यूज होगी, ठीक है। स्मॉल के साथ भी स्मॉलर, जो दोनों में से छोटा होगा स्मॉलर, जो दोनों में से बड़ा होगा बिगर, ठीक है। उसमें टिक लगाना है यहाँ पर गिवन है कि टिक करो किसमें, बिगर वन में। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, हिप्पो, 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 है ना, हिप्पो, ये वाला। तो हिप्पो में हम टिक लगा देंगे, ठीक है। और ये वाली जो डिग्री है बिगेस्ट वाली, ये तब यूज होती है जब दो से ज्यादा, अब यहाँ तो ये दो ही है सिर्फ, अगर दो से ज्यादा हो, तीन हो या पांच हो, दस हो, पंद्रह हो, बीस हो, तो उनका जब कंपैरिजन करना है ना हमने, तो ये वाली डिग्री यूज होती है बिगेस्ट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टिक द स्मॉलेस्ट, अब ये दोनों लीव्स हैं, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है या ये है, या तो ये वाला, इसमें हम टिक कर देंगे क्योंकि ये स्मॉलर है, ठीक है। तो ऐसे ही इनका भी हम बताएंगे कि ये स्मॉलर है या फिर ये स्मॉलर है, दोनों में से क्विरिल, ठीक है। तो ये हम टिक कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। सारी अपना अपना पार्टिसिपेट करो क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कि कौन कौन ज्वाइन हो गया है, ठीक है, कौन कौन है, तो लेकिन अपने अपने आप बोलते रहो आंसर, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ तो सबका आंसर देने का फर्ज बनता है। तो यहाँ भी दो ही चीजों का कंपेरिजन है, दो चीजों की तुलना हो रही है, एक ये वाला बॉय है, दूसरा ये वाला बॉय है। तो इनमें स्मॉलर जो टायर है, ये टायर है और ये वाला टायर है, इसमें से जो भी स्मॉलर है उसमें टिक करना है हमने। तो ये वाला हमें, हम देख रहे हैं कि दिस इज अ स्मॉलर, तो इसमें टिक कर देंगे, ठीक है, ओके 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 या ओके। अब यहाँ पर एक सेकंड वर्ड और आ गया है, ठीक है, और इसमें थर्ड डिग्री यूज हो रही है, सेकंड डिग्री नहीं है, सेकंड डिग्री तो ईयर वाली थी ना, बिगर ईयर वाली थी, अब ये ईएसटी वाली है, ये थर्ड डिग्री है, इसको थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है, और ये दो से ज्यादा में यूज होता है। तो देखो यहाँ पर थ्री ट्रीज हैं, तो थ्री ट्रीज में से जो सबसे ज्यादा छोटी ट्री है उसमें टिक लगाना है, यस यस, इसमें हम टिक कर देंगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, या तो नेक्स्ट ये है, दो एनिमल्स हैं तीन, तो इनमें से भी हमने बताना है कि बिगेस्ट कौन सा है, क्वेलर, बिगेस्ट, इट्स एलिफेंट, इट्स एलिफेंट, ओ सॉरी सॉरी, एलिफेंट, तो इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ओके, अब यहाँ पर फ्रूट बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है ये तीनों में से। तो दिस इज वन, व्हाट इज दिस, ये कौन सा फ्रूट है, मैंगो, वेरी गुड, ये कौन सा फ्रूट है, वाटरमेलन, वाटरमेलन, वेरी गुड, ये
या चेरी चेरी। तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? चेरी। या सो इसमें हम टिक कर देंगे बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो इसमें हमने बिगेस्ट बताना है कि बिगेस्ट बिगेस्ट बबल कौन सा है? नंबर फाइव। या नंबर फाइव, तो ये टिक लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट वन, वेरी गुड। अब हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, लेकिन देखते हैं कितना चलता है। तो ये टॉप और बॉटम हमने बताना है, टॉप मतलब सबसे ऊपर होता है, जैसे ये टॉप है, और बॉटम सबसे नीचे होता है। हमारा जो हेड होता है ये टॉप होता है, और जो पैर होते हैं, ठीक है, वो बॉटम, ठीक है, नीचे, सबसे नीचे बॉटम। तो यहाँ पर बॉटम कौन कौन है? देखो यहाँ पर एक बॉटम ये है और एक ये है, और टॉप ये लड़का है, और ये भी जो है, ये भी टॉप है दोनों, ठीक है। फॉर द मीनिंग मीनिंग्स पता चल गया ना सबको, टॉप और बॉटम के? यस 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 यस। भारती, हलीमा, भारती, पता चल गया सबको? यस यस सर। गुड गुड गुड। ओके, अब ऐसे ही हमने यहाँ पर बताना है कि टॉप टेक द पॉट, पॉट मतलब ये मटका, मटकों को पॉट बोलते हैं। तो टॉप में कौन सा है उसको टिक करना है? ये सबसे वाला, यही है ना टॉप में, तो इसको हमने ये वाला तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब यहाँ पर टिक द एनिमल, वो एनिमल को टिक करना है जो बॉटम में है। बॉटम मतलब एक तो एनिमल यहाँ पर गिवन है और दूसरा यहाँ पर गिवन है, तो सबसे नीचे वाला ये है, तो इसको हम टिक कर देंगे, इट इज एट द बॉटम, ठीक है। ओके, अब ये आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, इट इज नियरर एंड फार्दर। नियरर मतलब नियर, ठीक है, और फार मतलब, फार मतलब दूर, और नियर मतलब नजदीक, पास में, ठीक है। और जिसके पास या जिसके दूर होगा, तो देखो जब हम दूर की बात करेंगे तो फ्रॉम लगेगा, आप देख लेना आगे, और जब नियर होता है तो टू लगेगा उसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होम है, हाउस मतलब, ठीक है, तो होम तो है ये वाला। अब इसके नजदीक कौन सी बर्ड है ये आपने बतानी है। एक बर्ड तो ये है, दूसरी बर्ड ये है ना, तो ये वाली का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है, दूरी ये थोड़ी कम है, और ये वाली तो बहुत ज्यादा दूर है, तो हम टिक इस पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नियर है, नियरर है, ठीक है। नियर मतलब पास होता है, और यहाँ पर देखो दो दो बर्ड्स का कंपेरिजन है, तो इसलिए ईआर लगा यहाँ पर, है ना, दो के कंपैरिजन में ईआर लगता है, ठीक है। और ये वाली क्या है, फार लगेगा तो फार्दर, ठीक है, फार्दर, टी एच ई आर, फार्दर, फार्दर, ठीक है, ओके, यस, ओके, ओके। अब यहाँ भी सेम सिचुएशन है, टिक द कैट। अब यहाँ पर काफी सारी कैट्स हैं, ठीक है, जो फार्दर है यानी दूर है उसको टिक करना है। तो एक एक तो ये हो गया, ये तो माउस है ना, और ये वाली कैट है, एक ये वाली कैट है, एक ये वाली कैट है, तो अब दो कैट है दोनों का, हाँ, तो ट्री से कौन सी ज्यादा दूर है? ये तो कम दूर है, ये ज्यादा दूर है, तो ये वाली ज्यादा दूर है, यस, ये वाली ज्यादा दूर है, हम टिक कर देंगे, ठीक है, ओके। अब ये ध्यान रखना, ये ई आर लगा यहाँ पर, क्योंकि दो कैट्स का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ई आर लगा ये वाला। अगर ज्यादा कैट्स होती तो फार बेस्ट लगता, ई एस टी, क्लियर, ओके, ये आ गया, देखो नेक्स्ट आ ही गया ये। आओ भैया, हम अभी की बात कर रहे थे, तो नियर के साथ ई एस टी और फार के साथ फार्दर। अब यहाँ पर दर की ई आर की जगह पर क्या लग गया, ई एस टी, ठीक है, और ई एस टी, फार्देस्ट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, स्विंग ये इसको जो स्विंग झूला जो है, ये
इसको स्विंग बोलते हैं, SWING स्विंग। अब ये नियरेस्ट है, अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक ये है, दूसरी ये बच्ची है और तीसरा ये बच्चा है, ठीक है, तो तीन हो गए, इसलिए ER नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो इसमें EST लगेगा, ये दूर है तो फारदेस्ट, और ये नियर है तो ये नियरेस्ट। क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया। गुड, ओके। अब यहाँ पर हमें टिक करना है, किसको टिक करना है, टिक द पपी। अब यहाँ पर देखो फोर पपीज है यहाँ पर, तो इसलिए फारदेस्ट जो है उनको उनको टिक करना है ट्री से। तो ये फर्स्ट वाला तो सबसे नजदीक है, ये उससे फार है थोड़ा, ये उससे भी ज्यादा फार है, और ये है फारदेस्ट नंबर फोर, ये सबसे ज्यादा दूर है, तो इसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि ये जो पपी है दिस इज फारदेस्ट, बहुत दूर, ठीक है, फारदेस्ट बोला करो, आप लोग रिपीट नहीं कर रहे हो कोई भी, फारदेस्ट फारदेस्ट, इनको दो वर्ड में डिवाइड करो, फारदेस्ट, ठीक है, हाँ, ऐसे ही ये नियरेस्ट है, nearest, ठीक है, अब टिक द ट्री, जो ट्री को टिक करना है जो बर्ड के नियर है, सबसे नियर है, अब ये तो सबसे दूर है नंबर वन, नंबर टू बीच वाली है, नंबर थ्री सबसे नियरेस्ट है, तो इसको हम टिक कर देंगे, नियरेस्ट है, या क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया, फाइन, ओके। अब यहाँ पर हमारे काफी इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस यानी वर्ड्स हैं हमारे पास, तो ऑन मैंने बताया हुआ था आपको, वैसे इंग्लिश की क्लास जो ले रहे हैं उनको बताया था कि ऑन कहाँ लगता है, ऑन वहाँ लगता है जहाँ पर प्लेन सरफेस हो, फ्लैट, जैसे हमारा फ्लोर है, फर्श, ठीक है, वहां पर ऑन लगता है, और उसके नीचे जो होता है उसको वहां पर अंडर लगता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है। अबव होता है सीधा ऊपर और बिलो होता है सीधा नीचे। अब देखो जैसे अब यहाँ पर ऊपर ऊपर भी दो हैं और नीचे नीचे भी दो हैं, ठीक है, एक ऊपर ये हो गया ऑन, यानी जैसे आप फर्श पे खड़े हो तो फर्श के ऊपर खड़े हो आप, ठीक है, तो ये भी ऊपर है और ऑन भी ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, आप फर्श पे खड़े हो तो नंबर वन लगेगा ऑन, लेकिन आप टंग रहे हो कहीं भी या कोई फोटो टंग रही है दीवार पे, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, एक फोटो यहाँ पर है एक फोटो यहाँ पर है, तो ये वाली फोटो को हम, अब ये वाली फोटो ऊपर है दूसरी के, तो हम इसको अबव बोलेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाली है, जी ठीक है, ये ऊपर वाली फोटो है, या बोलिए बोलिए सर, बराबर देख नहीं रहे, नहीं आपके उधर से प्रॉब्लम होगी, आप कैमरे का फोन की सेटिंग देखो हिला के, क्योंकि यहाँ क्लियर है सारा कुछ, उम्मीद है सबको दिख रहा है क्लियरली, यस क्लियरली सर, ठीक है, तो ये अबव ऊपर है, ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ दिख देता हूँ, अब दिखाई दे रहा है अबव, यस, हाँ, तो ये वाली जो फोटो है ये ऊपर है दूसरी फोटो के, तो इसीलिए यहाँ पर अबव यूज किया गया है, और ये वाली फोटो जो है ये बिलो है, ठीक है, तो ये वाली फोटो इस फोटो के नीचे है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बिलो, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा अबव कहाँ लगना है और बिलो कहाँ लगना है, ठीक है, जी जी, ओके ओके, ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये है, देखो जो डायरेक्टली, अब ये मान लो फैन है, ठीक है, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, बस ये एक्सप्लेन करके खत्म करेंगे इसके बाद, क्वेरीज जो जिसको भी कुछ पूछना होगा व्हाट्सएप पे पूछिएगा, तो ये फैन है ऊपर, ठीक है, तो इसके नीचे ये
ये भी इसके नीचे है और ये भी बच्चा जो बैठा है ये इसके नीचे बैठा है, तो हम बोलेंगे अंडर, अंडर द फैन, ठीक है। बिलो वाला यहाँ बता दिया था मैंने, जो ऐसे डायरेक्टली किसी चीज के नीचे खड़ा होता है वहां पर लगता है अंडर, ठीक है। क्लियर हो गया है? यस यस क्लियर हो गया। ठीक है अब हम क्लास एंड करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल।